हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो दिस इज राधिका योर सीडीपी मेंटोर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टीचर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का स्थानांतरण लर्निंग को जब हम ट्रांसफर करते हैं यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे जो हमारे सीखा हुआ चीज है या ज्ञान है या कंसेप्ट है, कोई भी स्किल है जब हम नई सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चलिए वेलकम सभी को गुड इवनिंग हेलो हाय चलिए सात मिनट का टॉपिक बहुत इजीली खत्म हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है जब एक स्थिति में कोई कंसेप्ट आपने कोई नई स्किल आपने जो सीखी हुई पहले वो आपके आगे नई सिचुएशन में अगर वो काम आ रही है सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है सो so, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अनुभव कौशल कोई भी एक्सपीरियंस कोई भी आपकी स्किल है या प्रशिक्षण किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाए तो वह कहलाता है क्या अधिगम का स्थानांतरण ठीक है आप इसे नोट्स भी बना सकते हो अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ठीक है तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन पीपल अप्लाई इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज एंड स्किल दे हैव ऑलरेडी लर्न ठीक है जो उन्होंने पहले से सीखी हुई है तो वो एक नई सिचुएशन में या फिर नए में अगर वो अपना पूर्व ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है मैं बाइलिंगल ही बोल रही हूँ और स्लाइड भी आपकी बाइलिंगल बनी है ठीक है एक कथन है आपका अंडरवुड का ठीक है एक कथन है आपका अंडरवुड का वो क्या बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है कि वर्तमान क्रिया पर वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ना यानी कि वर्तमान क्रिया जो हमारे प्रेजेंट में जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं उसका किस पे असर पड़ता है ठीक है है जो 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 हमारे हमारे पूर्व अनुभव यानी यानी कि कि हमारा प्रीवियस प्रीवियस पहले का जो अनुभव है जो एक्सपीरियंस है जो ज्ञान हमारे पास है जो स्किल हमारे पास है उसका जो प्रभाव है हमारे नए ज्ञान पे हमारे नए सिचुएशन पे पड़ता है ठीक है तो किसका कथन है ये अंडरवुड का है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है आपका वो प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है और वो प्रभाव जो है आपका जीरो भी हो सकता है ठीक तो है वो प्रभाव कैसा होगा पॉजिटिव भी हो सकता है सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है यानी कि कोई प्रभाव ना पड़े ऐसा भी पॉसिबल है ठीक है सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हैज द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑन द करंट एक्शन करंट सिचुएशन पे ठीक है इफेक्ट करेगा हमारा पुराना सीखा हुआ ज्ञान कोई डाउट अभी तक किसी को बहुत ईजी था इसमें समझने में कोई इशू नहीं होगा मैं एक बार साइड हट रही हूं इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अदरवाइज जो है आप इससे भी नोट्स बना लेना बाद में बना लेना बट ठीक है चलो बाकी वाली क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है प्लीज इस वाली क्लास को मिस मत किया करो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है दैट यू कैन दैट यू कैन कम लाइव सो so बाद में इसको रिकॉर्डेड जो होती है जो लाइव सेव होती है उसको बाद में देख लिया करो एंड अपने नोट्स बना लिया बना लिया करो ठीक है उसको शेयर जरूर करिएगा क्लास को क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिक हम के स्थानांतरण के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं जो अभी आज हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ तीन पढ़ेंगे तीन से ज्यादा है बट आज हम तीन पढ़ेंगे जो कि मेन ठीक है कौन कौन से हैं पॉजिटिव सकारात्मक है एक नकारात्मक है और एक शून्य है ठीक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे पहले यानी कि सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण अब इसमें क्या है जब एक स्थिति में ठीक है जब एक स्थिति में अर्जित किया ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है ठीक है हमारा जो हमने पहले हमारा पूर्व ज्ञान है ठीक है जब हम उसको नई सिचुएशन में लगाते हैं यूज करते हैं और अगर वो हेल्पफुल भी होता है सो दैट इज कॉल्ड सकारात्मक ठीक है वो क्या कहलाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है सकारात्मक कहलाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स कब होता है व्हेन प्रायर लर्निंग असिस्ट न्यू लर्निंग यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है हमारे पहला वर्ड सीखा वो ज्ञान है अगर हम नई सिचुएशन में उसको यूज करते हैं तो वो उसमें हेल्प करता है ना उसमें बाधित करता है ठीक है बाधित नहीं करता उसमें हेल्प करता है ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे कि सपोज आपने पहले साइकिल चलाना सीख लिया आप में बैलेंसिंग आ गई तो आप स्कूटी बहुत इजीली चला सकते हैं ठीक है स्कूटी में कोई गियर्स तो नहीं है ठीक है तो आप क्या करोगे

ठीक है आप एक एग्जाम्पल आपको और देकर बताऊंगी सपोज आपने क्या करा आपने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ ली ठीक है सी छोड़ो एक मैथ्स का क्वेश्चन लेते हैं ठीक है सपोज आपने मैथ्स के बेसिस पे मैथमेटिक्स के 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 बेसिस बेसिस पे मैथ आपने फिजिक्स कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए मैथ्स के के बेसिस पे आपने फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो ये क्या कहलाए क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है, है या फिर ये शून्य है बिल्कुल भी नहीं तो ये क्या है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्योंकि आपने जो पहले सीखा हुआ ज्ञान था वो जब आप नई जगह पे अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या है वो आपको हेल्प कर रहा है क्या कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ पहले आपने मैथ्स सीखी हुई है अब आपके सामने न्यूमेरिकल्स आए अब आप मैथ्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है सपोज आपने सी डी पी बहुत अच्छे से पढ़ ली अब सी डी पी कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं कि आपने सी डी पी के कुछ कंसेप्ट आपने मैथ्स की पैडोगॉजी अपने इंग्लिश की पैडोगॉजी आपने सॉल्व कर लिए तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये क्या कहलाएगा आपका सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा ठीक है मैं तुम्हारे कमेंट्स बहुत छोटे दिख रहे टाइम चेंज कर सकते हैं ये पी पीएम का नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक क्लास सेवन पी पीएम चलिए दूसरा करते हैं पांच मिनट बचे हैं दूसरा है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण अब क्या है ये नकारात्मक क्या है नकारात्मक है यानी कि आपका है ऋणात्मक या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अभी हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आई होप सो सबको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा कोई डाउट नहीं होगा पॉजिटिव वाला बहुत इजी है नेगेटिव तो और भी है ठीक है जब हमारा पूर्व ज्ञान सीखा हुआ कोई ज्ञान सीखा हुआ कोई या कोई भी स्किल जो है हमारे नेक्स्ट जो भी हमारा ज्ञान है अगर हमें वहां अप्लाई करना है और पुराना ज्ञान जो हमें वहां पे बाधित कर रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ ना कुछ हिंडल कर रहा है तो वो क्या कहलाता है हमारा ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतर यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर अकर्स वेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स और इंटरफेयर विद न्यू लर्निंग यानी कि जो पुराना ज्ञान है हमारे नए ज्ञान में क्या है उसको सीखने में कुछ इंटरफेयर कर रहा है हिंडर कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमें, जैसे कि पहले सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा बन जाता है ठीक है याद रख रहे हैं पहले सीखा हुआ ज्ञान या कोई भी कंसेप्ट या कोई भी स्किल ठीक है जरूरी नहीं सिर्फ ज्ञान ठीक है कोई भी कंसेप्ट या कोई भी स्किल जैसे ड्राइविंग है ड्राइविंग एक स्किल है ठीक है कोई भी पहले का सीखी हुई कोई आपने ड्राइविंग सीखी है और जब वो आप कोई एक नया ज्ञान या कोई भी आप नई स्किल सीखने जा रहे हो और उसमें पुराना वाला जो आपका कंसेप्ट है स्किल है वो उसमें बाधा बन रही है तो वो क्या क्या लाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है जैसे कि अगर बात करते हैं ड्राइविंग की इंडिया में जो है आपका

प्रो हो राइट साइड में तो लेफ्ट में आप प्रो हो गए नहीं ऐसा नहीं है वो आपको बाधित करेगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी ठीक है गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग रिपीट प्लीज मैम कविता क्या समझ नहीं आया हाँ नेगेटिव मतलब वो बाधा कर रही है ना बेटा आपको कोई ना कोई तो इश्यू आएगा तो दिस तो इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है सीखने में ठीक है एक तो होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव कुछ नेगेटिव भी तो होंगे ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है अभी क्या था अंडरवुड का कथन क्या था ठीक है कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या फिर जीरो या तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ठीक है अगर आपने मैथमेटिक्स के बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अभी आपको कोई स्किल आती है ड्राइविंग आती है आप राइट साइड आप बैठ के स्टेयरिंग आप यूज करते हो आप ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ कर लेते हो तो बट जैसे आप यूएसए जा रहे हो वहाँ पे जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है तो वो क्या कर रहा है बाधा बन रही है ना वो आपका ठीक है तो पहले सीखा वो ज्ञान जब नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा बनता है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण ठीक है क्लियर है सभी को आई होप सो ये क्लियर होगा पहले बता रही हूं, सिर्फ तीन नहीं है और भी है वो हमें हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है शॉर्ट सेशन रहते हैं हमारे ये वाले 5:45 फोर्टी पी एम के ठीक है तो बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है अभी मैं सिर्फ आपको तीन कराऊंगी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब आते हैं तीसरे पे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि शून्य यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पहले का सीखा हुआ ज्ञान और नए के सीखे हुए ज्ञान पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना वो तो वो हेल्प कर रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम कर रहा है यानी कि जो फर्क है वो कुछ भी नहीं पड़ रहा जीरो याद आपको मैंने आपकी क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको बैटिंग एंड बॉलिंग वाला कि एक बच्चा है वो बैटिंग बहुत अच्छे से करता है ठीक है और बॉलिंग भी कर लेता है बट उसका उस पर फर्क नहीं पड़ रहा तो ये चीज क्या है ये है आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ठीक है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स वेन प्रायर लर्निंग हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन न्यू लर्निंग उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है नो इन्फ्लुएंस सो so, दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि शून्य स्थानांतरण ठीक है जब पूर्व शिक्षा का नए शिक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ठीक है पूर्व शिक्षण का या पूर्व शिक्षा का नए शिक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ना तो वो सहायक है ना ही वो बाधा बन रहा है जीरो इफेक्ट है कोई बोलते ना यार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तू चाहे हो मेरे साथ या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता तू है तो सही नहीं है तो भी सही तो दिस इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एनी डाउट इन दिस सेशन इन टूडे तो सेशन जल्दी से बताएंगे कोई डाउट किसी को कोई भी पॉजिटिव में में या जीरो में जल्दी से बता दो अगर है तो अभी क्लियर कर लेते हैं Otherwise, अपना सेशन अप करते हैं अपना करते आपका और वीडियो कैसे प्राप्त होंगे हाँ बिल्कुल चलो आप खुद से एग्जाम्पल दो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्लास अगर इंटरएक्टिव रहेगी ना तो और अच्छा लगेगा आप खुद से सोच के एग्जाम्पल्स दो पॉजिटिव लर्निंग समझ नहीं आया मैम ये ये क्लास ये तो क्लास बेटा तो बहुत पहले से चल रही है कैसे प्राप्त होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है मैं तुम्हें अलग से समझा रही हूँ देखो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे देखना इस बच्ची ने साइकिल सीखी ठीक है ये बच्ची ने साइकिल सीखी है अब आपको पता बताने साइकिल चलाने से गए साइकिलिंग में क्या चाहिए तो आप पैडल मारते हो आपको बैलेंसिंग भी तो जरूरी है जब आपको बैलेंसिंग आ गई तो आपको स्कूटी भी चलानी आ गई स्कूटी चलानी आई ना आपको बस पैडल नहीं है अब आपको क्या है आपको कंट्रोल मेंटेन करना है आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है ठीक है आपको मैथमेटिक्स आते हैं आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है आप फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स में आते है, तो अपने मैथ्स के बेसिस पे आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए आपने सी डीबी के बेसिस पे आपने अदर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पेडागोजी के तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि आपका पूर्व ज्ञान जो है जब आप कोई नया ज्ञान अर्जित कर रहे हो या नया आप कंसेप्ट

कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने लास्ट मैथ जो होती है टेंथ क्लास में पढ़ी होती है फिर वो सीधा आते हैं ग्रेजुएशन के बाद आते हैं कोई कॉम्पिटेटिव पेपर देने उनके पास जो है उनको बस एक तक उन्होंने मैथ्स पढ़ा है बट एकदम क्या होता है मैथ्स उन्होंने में नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा फिर आते हैं वो कॉम्पिटेटिव पेपर की तैयारी करने जिसमें आपको आता है हिंदी भी आता है, है मैथ्स भी आता है रीजनिंग भी आता है बट ऐसा तो है नहीं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता वो जो आपने मैथ्स पहले पढ़ा है टेंथ क्लास तक वो आपका क्या है आपका पूर्व ज्ञान है तो वही पूर्व ज्ञान क्या है आपके कॉम्पिटेटिव पेपर में आपको क्या है आपको हेल्प कर रहा है सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अभी समझे हाँ बिल्कुल अर्पिता जी अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्लासेस कब होती है बेटा क्लासेस बहुत पहले से चल रही है तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है ठीक है फिर से बता रही हूँ जो डेली क्लासेस होती हैं लाइव क्लासेस जो रहती हैं क्या टाइमिंग है फोर पी रहता है ठीक है इसमें हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी प्लीज देख लेना मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे टूडेज टॉपिक आज जो मैंने आपको करवाया है क्लास में जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके विकास के सिद्धांत क्या करवाया था विकास के सिद्धांत करवाया क्लास अटेंड नहीं करी तो प्लीज क्लास अटेंड कर लेना ठीक है अभी हमने क्या करवाया अधिगम का स्थानांतरण ठीक है अधिगम का अधिगम का स्थानांतरण ठीक है ये वाली जो क्लास होती है हमारी शॉर्ट वीडियोज वाली जो हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं इसका जो टाइमिंग है डेली 5:45 पीएम का है एंड आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें तो कर देना अपने सारे आज की क्लास में हमने सिर्फ तीन पढ़े हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चलिए और कुछ मैम गुड इवनिंग बेटा अब तो क्लास ओवर हो गई है पर इस क्लास को देख लेना जीवएम क्लियर हो गया बेटा पहले का वीडियो कैसे मिलेगा यहाँ पे ना प्ले लिस्ट है ये प्ले लिस्ट बनी हुई है प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना हाँ बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया चलिए गुड इवनिंग जी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल अब मैं आपसे विदा लेती हूँ शॉर्ट वी, वीडियोस की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हाँ शॉर्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट नहीं है एक बार ये मैं बात कर लूंगी उनको बोल दूंगी कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं इनकी भी प्लेलिस्ट बना दो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ठीक है ये मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी ठीक है चलिए जी तो फिर आपसे अलविदा लेते हैं कल मिलते हैं चार बजे ठीक है चलिए टिल देन बाय टेक केयर हैव अ गुड डे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना